तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं आज हमारे पास एक रेडमी K20 हैंडसेट है और अभी हम इसको चेक करेंगे। ये डेड कंडीशन में है और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले डीसी से कनेक्ट करके बता देता हूँ यहाँ पर कि डीसी में स्विचिंग क्या ले रहा है। तो इस तरीके का इसमें आपको ये बैटरी यूज़ होती है। तो चलिए एक बार यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, तो डीसी को आउटपुट में डाल लेते हैं। देख सकते हैं कनेक्टर मैंने यहाँ पे लगा लिया है अच्छी तरीके से। और अभी पावर की प्रेस करते हैं, इसका पावर की जो होता है यहाँ पे होता है। तो देख सकते हैं पावर की प्रेस करने पर यहाँ पर कोई भी एम्पियर लिफ्ट नहीं कर रहा है, या फिर इस तरह से 0.01 और छोड़ने पर इस तरह से 0 हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर की प्रेस करने पर इस तरीके से कुछ एम्पियर कभी लिफ्ट कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। इस तरीके से ये डेड कंडीशन में है और अभी हम इसको पूरी तरीके से देखेंगे कि कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है, कहीं पे लीकेज तो नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक और बार मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ बैटरी। बैटरी कनेक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं 0.01 मिली एम्पियर कंज्यूम करता है और पावर की छोड़ने पर इस तरीके से ये 0 हो जाता है या कभी इस तरीके से 1 पे रुक जाता है। तो चलिए पहले हम कूल टेस्टिंग करेंगे और कूल टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को बजर रेंज पर रख लेते हैं, बीप रेंज में, और चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर चेक कर लेते हैं हमारा। तो ये है हमारा बैटरी कनेक्टर। तो रेड प्रोब आपको ग्राउंड करना है कहीं पे भी, तो यहाँ पे मैं ग्राउंड कर लेता हूँ। और वन साइड तो ये ग्राउंड है और अदर साइड देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, यानी बैटरी कनेक्टर की लाइन में कोई GR नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं 425 का GR आ रहा है और यहाँ पे मतलब एक साइड तो GR मिल रहा है 425 का, ये तो आपस में कनेक्ट नहीं है। देख सकते हैं दोनों पिन आपस में कनेक्ट नहीं है इस तरीके से। तो मतलब हमारी जो बैटरी की लाइन है वो अगर बैटरी में भी अगर आप देखोगे तो इस तरीके से होती है। देख सकते हैं बैटरी पॉजिटिव, बैटरी नेगेटिव, IDBS, और थर्मल लाइन भी है इसमें, देख सकते हैं TH। तो ये इस तरीके से आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम बैटरी की लाइन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 450 के आसपास वैल्यू आ रहा है और फॉरवर्ड बायस में देखेंगे तो 1600 के आसपास, मतलब ये वैल्यू हमारा ओके कंडीशन है। इसके बाद फ्रेंड्स ID थर्मल में भी चेक कर लेंगे। देख सकते हैं 655, 655 और इस तरफ ऑयल और इस तरफ ऑयल, और ये आपस में कनेक्ट तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं तो एक इसमें ID है और एक थर्मल लाइन है, मतलब दोनों में भी GR आ रहा है और VBAT में भी GR आ रहा है। तो अब हम ये देखेंगे फ्रेंड्स इसमें जैसे ये इसका मेन पावर ऐसी है 8150 और इसका सेकेंडरी पावर एसी होता है ये वाला 8150 ए इसमें लगा है, और एक जो मेन चार्जिंग एसी होती है इसकी 8150 बी ये वाली, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये इसमें मेन चार्जिंग एसी होती है और ये इसका VPH कॉइल होता है। तो सबसे पहले कूल टेस्टिंग कर लेते हैं यहीं पर। तो चलिए सबसे पहले यहीं पे कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये VPH लाइन में देख सकते हैं 320 के आसपास GR आ रहा है और फॉरवर्ड में भी चेक कर लेते हैं तो 1300 के आसपास आ रहा है, मतलब VPH लाइन भी हमारी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये मेन पावर के पास हम चेक कर लेते हैं क्या कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है।
ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कैपेसिटर मिले शॉर्ट मिला है। और भी देखते हैं ये क्या लाइन है, पता नहीं, और भी देखेंगे। तो एक साइड तो यहाँ पे 0.07 ले रहा है, और अदर साइड भी देखेंगे तो 0.12 के आसपास ओम्स की यहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा है। चलिए इस साइड में भी चेक कर लेते हैं, ये हमारा वीपीएच लाइन है, ये तो ओके हमारी वीपीएच लाइन। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी मुझे शॉर्टिंग मिल रही है, ये देख सकते हैं ये पूरा हिस्सा मुझे शॉर्ट मिल रहा है। और अभी हम देखेंगे बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं फोल्डर से, और पीछे साइड भी चेक करेंगे क्या कहीं पे शॉर्टिंग मिल रही है। जैसा कि अभी हमको यहाँ पे तो जैसे कि ये सारे कैप शॉर्ट मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक नीचे मेन पावर के पास शॉर्टिंग मिली है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये क्या कैपेसिटर है, ये लाइन कहाँ जा रही है। तो उसके लिए हम डायग्राम में आते हैं। ये हमारा पीसीबी का लेआउट है, तो लेआउट में जूम करेंगे, इसका मैंने डायग्राम यहाँ पे ओपन कर रखा है। और यहाँ से जो हमारा कैपेसिटर है C455, डायग्राम में आकर के चेक करेंगे C455। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो लाइन है हमारी वीरेक L16A जो कि 2.7 की लाइन है, सॉरी ये जो लाइन है फ्रेंड्स हमारी यहाँ से इस कैपेसिटर, ये जो लाइन है हमारी वीरेग L15A 1.7 की लाइन है। तो ये कहाँ जाती है देखते हैं, ये आउटपुट हो रही है इसी पावर एसी से। ये LDO सेक्शन है, जैसे कि आपको पता ही होगा बक और LDO दो फेमस सेक्शन होते हैं पावर एसी के अंदर, और इसमें 18 LDO बनते हैं PM8150 में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारा जो था LDO 15 वाला, देख सकते हैं ये वाला कैपेसिटर इसके साथ जुड़ा है, तो ये कैपेसिटर हमको शॉर्ट मिल रहा है C455। तो इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इसको आगे देखेंगे कहाँ जा रही है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आगे जा कर के एक रजिस्टर के थ्रू दो कैप और है, और ये आ रही है U1001 इस आईसी में। तो 1001 जो आईसी है हमारी, देखते हैं कौन सी आईसी है। तो यही देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे और डाल देंगे यहाँ पर U1001, और इसको नेक्स्ट करेंगे। तो देख सकते हैं ये आईसी हमको यहाँ पे मिलती है ये कॉर्नर में, मतलब के डिस्प्ले कनेक्टर, ये कनेक्टर के जस्ट ऊपर। मतलब ये वाली आईसी देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी आईसी है। तो यहाँ पे भी चेक कर लेंगे क्या हमको शॉर्टिंग मिल रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी इस आईसी के पास भी हमको शॉर्टिंग मिल रही है। तो एक नेटवर्क सेक्शन का एक ट्यूनर आईसी है, तो इसमें भी हमको ये लाइन जाती है। तो ये लाइन और कहाँ जा रही है देखते हैं ये लाइन। तो नेक्स्ट करेंगे जो हमारी 1.8 की लाइन है 1002, एक और आईसी है, देख सकते हैं यहाँ पे भी जा रही है। और नेक्स्ट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 1301, ये एक और आईसी है SGR8150, यहाँ पे भी ये लाइन जा रही है। मतलब फ्रेंड्स ये 1.7 की लाइन जो है काफ़ी जगह पे जाती है, देख सकते हैं यहाँ पर भी जा रही है। ये हमारा GPS का स्विच है, यहाँ पे भी जा रही है, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी जा रही है। मतलब के 1.7 की जो लाइन है हमारी काफ़ी जगह पे जा रही है, और ये रिलीज होती है मेन पावर आईसी से, जो कि हमारा पावर आईसी है PM8150। और ये हमारा बोर्ड में जो लगा है PM8150, ये लगा है नीचे, ये देख सकते हैं ये वाला हमारा PM8950 है।
शायद हो सकता है शॉर्ट हो रहा है। तो ये हमारा PM8950 में ये यहाँ से शॉर्टिंग हमारी हो सकती है, यहाँ से शॉर्टिंग हो रही हो। तो चलिए अभी हम देखते हैं इस आईसी को रिमूव करके क्या हमारी शॉर्टिंग जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको शॉर्टिंग मिल रही है, देख सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली रिमूव भी कर सकते हैं या अदरवाइज यहाँ पे वोल्टेज दे करके चेक भी कर सकते हैं कहाँ पे हीट हो रहा है। तो दोनों भी ऑप्शन होते हैं आपके पास, कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं या फिर तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये आईसी हमारी हीट हो रही है। तो उसके लिए एक बार रोज़न लगा लेते हैं। रोज़न लगे तो कम बन जाए। और यहाँ पर भी क्योंकि ये आईसी भी हमारी शॉर्ट थी, यहाँ पे भी हम रोज़न लगा लेते हैं। मतलब जहाँ जहाँ भी ये लाइन जा रही है वहाँ पे आपको रोज़न लगाना है, और ये 1.8 की लाइन बहुत जगह पे जाती है। और पीछे SDR में भी ये लाइन जा रही थी, और इसमें जो SDR लगा है 8150। चलिए SDR में भी हम इस तरीके से रोज़न लगा देते हैं, और अभी देखते हैं 2GPA पे भी लगा देते हैं रोज़न। DRX चलिए रोज़न यहाँ लगा दिए हमने, यहाँ पे भी लगा दिया है। थोड़ा टाइम लीजिए बट अच्छे से काम करिए, वन शॉट में अगर आपको काम करना है तो। अब हम 1.8 पे सेट कर लेंगे मल्टीमीटर DC मशीन को, जैसे आपको दिख रहा होगा। अब हम 1.8 वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसी कैप पे इंजेक्ट करेंगे। तो इसमें कौन से साइड इंजेक्ट करना है अगर आपको देखना है तो इसका हम बिट मैप अगर मिलता है तो बिट मैप ओपन करेंगे। ये देख सकते हैं बिट मैप भी है इसका। तो बिट मैप ओपन करेंगे, बिट मैप ओपन करके ये चेक करेंगे। तो देख सकते हैं बिट मैप यहाँ पे ओपन हो चुका है। 2D में से हटा देंगे इसको, और यहाँ पे हम देख लेते हैं ये जो कैप था हमारा, ये वाला कैप इस साइड में। तो ये लाइन जो देख रहे हैं आप, ये इतनी जगह पे जा रही है, मतलब SDR में जा रही है आपके। और इसके अलावा ये छोटे ट्यूनर आईसी में, जैसा कि हमने बताया था आपको, तो चलिए यहाँ यहाँ पे तीन चार जगह पे जा रही है। तो कैपेसिटर का जो सिरा है हमारा, इस साइड में आपको वोल्टेज इंजेक्ट करना है। तो चलिए वोल्टेज दे करके एक बार चेक कर लेते हैं, ग्राउंड कहीं पे भी आप लगा सकते हैं।
ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वोल्टेज इंजेक्ट किया है, 1 एम्पियर तक ये ले रहा है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे कहीं पे हीट नहीं हुआ है, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी कहीं पे हीटिंग नहीं हो रही है। ऊपर भी नहीं, तो वापस से तो ये कैपेसिटर पे देख सकते हैं 1 एम्पियर पूरा सारा का सारा एम्पियर ले रहा है। तो ऐसे में फ्रेंड्स आपको देखना है क्या कहीं पे कोई कैप हीट तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तो कोई गर्म नहीं हो रहा है, और इस साइड में भी कोई भी यहाँ पे हीटिंग नहीं हो रही है। और हमको पता है ये जो बना है एलडीओ इसी पावर एसी से, तो यहाँ पे हीट अगर नहीं भी हो रहा है तो हम इस पावर को रिमूव करेंगे। अगर हीट हो जाता तो हमें पता लग जाता कहाँ पे ये लाइन जा रही है। तो यहीं से जनरेट होती है एलडीओ सेक्शन से, जैसे कि आपको पता ही है। एसडीआर में भी जा रही है, ये देख सकते हैं एसडीआर में, और यहाँ पे दो जगह जा रही है। तो हम क्या करते हैं अभी फ़िलहाल हम इस पावर एसी को रिमूव करेंगे, और रिमूव करके चेक करेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा फ्लक्स यूज़ करेंगे। चलिए ये एसी को पहले रिमूव कर लेते हैं। सिक्स वन फाइव जीरो ये मेन पावर एसी है इसका। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स पावर एसी हमने रिमूव कर लिया है, और अभी हम सबसे पहले शॉर्टिंग चेक करेंगे। पीसीबी थोड़ा सा कूल हो जाए। तो वही मल्टीमीटर रखेंगे बीप रेंज में। तो चलिए क्योंकि फ्रेंड जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होते हैं, जब गर्म नहीं हो रहा है कहीं पे हीटिंग नहीं हो रही है, तो आपको ऐसे ही रिमूव करके ही चेक करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे भी चार कैपेसिटर जो के ये चारों कैप शॉर्ट मिल रहे थे हमको, मतलब दो लाइन अलग अलग लाइन शॉर्ट बता रही है इसमें। तो ये जो लाइन है हमारी वीरेक बीओबी की लाइन है ये, इससे सारा सेक्शंस एक्टिवेट होते हैं। तो ये भी हमको यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है। तो यहाँ पे नीचे कॉयल के नीचे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये भी लाइन शॉर्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी बीओबी की लाइन शॉर्ट है तो इसको भी हम आईसी को रिमूव कर देते हैं, ऊपर वाली आईसी को, और रिमूव करके चेक करेंगे।
बीओबी लाइन भी शॉर्ट है। तो इस एसी को भी मैंने निकाल लिया है और सबसे पहले हम क्लीन कर लेंगे, इनके पीसीबी अभी गर्म है तो गर्म में ही हम क्लीन कर लेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी चेकिंग करने में। दोनों भी पावर आए थे वो क्लीन कर लेंगे नीचे। तो चलिए क्लीन हो गया है, तो क्लीन होने के बाद पीसीबी को अच्छे से साफ कर लेंगे। अभी वापस एक बार और से चेक करेंगे। तो दोनों लाइन में अभी भी शॉर्टिंग है।
तो वी रेक बॉब हमारा बहुत सारे आईसीओ में जाता है, मतलब अभी दो लाइन यहाँ पे शॉर्ट है, एक L15 वाली और दूसरी हमारी शॉर्ट है बी रेक बॉब। तो दोनों देखते हैं कहीं वाटर डैमेज तो नहीं है सेट। इस साइड में अगर देखेंगे तो पीए के पास थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब पीए के पास भी देखेंगे तो यहाँ पे भी शायद शॉर्ट होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वीपीएच से इन्होंने यूज़ किया है या वी रैक बॉब यूज़ किया है, तो वीपीएच लाइन दिख रहा है, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। 4GPA के पास भी चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भी इन्होंने, और यहाँ पे देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग है। देख सकते हैं इस वाले कैपेसिटर पे भी हमको शॉर्टिंग मिल रही है। तो हो सकता है ये वाला हमारा शॉर्ट हो चुका है, मतलब इस पे हीट मारी होगी या जो भी है। और पहले तो हम L15 वाली जो लाइन है हमारी जो कि इसमें जा रही है, इसको पहले रिमूव करके चेक करते हैं। अगर आपको पहले कंफर्म करना है तो भी हमें यहाँ पे इस तरीके से रोजन दे करके देख सकते हैं, अगर से हीटिंग अगर होता है तो हो भी सकता है। तो SDR के पास जो कैप मिला हमको उसमें आपको यहाँ पे इस वाली लाइन में नीचे से जो बड़ा वाला कैप है नीचे वाला ये वाला कैपेसिटर जो सबसे नीचे है, देख सकते हैं ये हमारा L15 है, वही लाइन है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज दे के चेक कर लेते हैं एक बार, क्या कोई हीटिंग हो रहा है यहाँ पर। अगर नहीं भी होता है तो SDR तो हमको रिमूव करना ही है, बट फिर भी एक बार आपको बताने के लिए कि अगर कोई यहाँ पे गर्म होता है तो देख सकते हैं यहाँ पे हीट तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all alone, even though it's been unspoken. So long, I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. 'Cause the moment you're certain, we don't need to be
be lonely. We don't need to be hurting. एक बार यहाँ पे वापस से चेक कर लेते हैं क्या हमारा L15 का लाइन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो जो ट्यूनर आईसियाँ हैं ये भी इसी लाइन के साथ कनेक्ट है, तो इन दोनों को भी बारी बारी निकाल देते हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई शॉर्टिंग हो या फिर इसके नीचे किसी पानी वगैरह गया हो, तो चलिए निकालते हैं। निकाल के क्लीन करके चेक करते हैं, ये दोनों आईसियों को भी हम रिमूव करेंगे और वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Cause I wanna be certain. We don't need to be lonely, we don't need to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. चलिए वापस से चेक करके देखते हैं L15 वाली लाइन, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर से हमारा शॉर्टिंग हट चुका है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो जो लाइन थी हमारी यहाँ से शॉर्टिंग हो रही थी, इस आईसी के पास किसी ने यहाँ से एक जम्पर यहाँ पे करके रखा था, जैसे कि आपको दिखाना चाहूँगा, शायद दिख रहा होगा आपको। बोर्ड यहाँ से थोड़ा सा चला हुआ है या कुछ ट्रैक यहाँ पे टूटी हुई है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम था वो, और हो सकता है आईसीओ के नीचे भी कुछ ऐसा दिख जाए आपको। तो ये जो आईसीओ हैं छोटे ट्यूनर आईसीओ, तो हमको जो L15 की जो शॉर्टिंग मिली, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले यहाँ पे बीप आ रहा था,
अब ये 590 के आसपास वैल्यू आ रहा है। अब एक बार BOB की भी लाइन चेक कर लेते हैं, ये वाली लाइन अभी भी शॉर्ट है। अब हमको इसकी शॉर्टिंग हटाना है कि BOB कहाँ से शॉर्ट है। तो BOB को शॉर्टिंग चेक करने के लिए अभी L15A वाली लाइन तो हमारी ठीक हो गई। अब BOB जो है यहाँ से बनकर वापस इसमें आता है, ये IC ऑलरेडी हटा हुआ है, ये IC से जनरेट होता है और ये IC भी यहाँ से रिमूव है। अब हम देखेंगे BOB कहाँ कहाँ जा रहा है, थोड़ा BOB की भी शॉर्टिंग हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये वीर है बॉब जो है फ्रेंड्स हमारा, इस वाली AC में भी जा रहा है। यहाँ पे दो छोटे से LDO है, LDO में भी जा रहा है, और यहाँ पे एक छोटा सा LDO ये दिख रहा होगा आपको, और मुझे यहीं पे वाटर डैमेज लग रहा है। एक कैपेसिटर यहाँ पे थोड़ा सा काला सा लग रहा है, थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं ये कैपेसिटर थोड़ा सा ब्लैक है, कलर से ही समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा जूम करके बताना चाहूँगा मैं। तो देख सकते हैं थोड़ा एक साइड से काला हो गया है। तो चलिए इसको रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे LDO भी टूटा हुआ लग रहा है, तो LDO और ये कैपेसिटर दोनों को रिमूव करते हैं और हटा करके चेक करते हैं। कैपेसिटर और LDO हमने रिमूव कर लिया है। ये कैपेसिटर एक बार चेक कर लेंगे, क्या कैपेसिटर हमारा शॉर्ट था। तो कैपेसिटर उड़ गया है फ्रेंड्स। तो एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मतलब अभी भी यहाँ पे शॉर्टिंग है, मतलब यहाँ से ये लाइन शॉर्ट नहीं है। तो और देखते हैं, और ये लाइन हमारी ये 2 LDO में जा रही है, उसके बाद AMC के पास एक तो यहाँ 4 कैपेसिटर्स में से एक कैपेसिटर यहाँ पे थोड़ा वाटर डैमेज लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो ये कैपेसिटर एक बार रिमूव करके देखते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट कैपेसिटर मिल गया हमको। थोड़ा नीचे करके बताना चाहूँगा, तो ये लाइन में भी हमारा जो शॉर्टिंग था अभी जा चुका है,
जैसा कि आप देख सकते हैं वीरेक बॉब भी हमारा शॉर्टिंग हट चुका है। जो कैपेसिटर शॉर्ट मिला हमको ये वाला देख सकते हैं बहुत ही ब्लैक हो चुका है ये वाला कैप। तो चलिए अभी हम दोनों पावर एसियों को रिबॉल करेंगे और रिबॉल करके वापस से लगाएंगे। तो रिबॉल करने के लिए हमारे जो दोनों एसी थे stupid silence, you've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Cause I wanna be certain, we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? You want it for us, even though you don't wanna say it. You've been saying it softly with no words. You whisper with your eyes. I'm waiting for you, just waiting for you to give it enough. Give it enough. No, I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Show me your love, baby. Show me your love. Cause I wanna be certain, we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? Don't you feel the same? Cause I wanna be certain, we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So say I'm waiting till it's too. चलिए दोनों एसी हमने डाल लिया है। एक बार फिर से यहाँ पे शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ की शॉर्टिंग जा चुकी है और वीरेक बॉब में भी हमको शॉर्टिंग मिल रही थी। तो दोनों भी हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो चलिए एक बार बोर्ड को पीसीबी होल्डर में फिट कर लेते हैं।
यहाँ पे एक एलडीओ था, चलिए देखते हैं किस चीज़ का एलडीओ था। पहले तो ऐसे ही किसी से ऑन कर लेंगे वापस से। बैटरी कनेक्टर लगाएंगे तो वहां देख सकते हैं, तो जो एलडीओ निकाला है हमने, एक बार वापस से लगा के देखते हैं। इनके हैंडसेट तो यहाँ से ऊपर आए, तो बैटरी से एक बार देखते हैं लगा करके। बैटरी से ऑन, तो देख सकते हैं हैंडसेट हमारा ऑन हो रहा है। एक बार मैं यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ, ये देख सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा, स्टेप बाय स्टेप हमने इसको बताने की कोशिश की है कि हैंडसेट में जो प्रॉब्लम थी, दो प्रॉब्लम थी इसमें, देख सकते हैं पूरी तरीके से हमारा हैंडसेट ऑन हो चुका है। तो देख सकते हैं हैंडसेट में जो फॉल्ट था अभी हमारा सॉल्व हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप बताया है आपको। वीरेक बॉब और L15 दो लाइन हमको शॉर्ट मिली इसमें। अभी मैं जो SDR है वापस लगा दूंगा इसमें, तो हमारा जो IC हमने निकाली वापस लगा देंगे। बट जो प्रॉब्लम था हमको डेड मोबाइल को फिक्स करना था, ये हमने फिक्स कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।